अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि मकान की तामीर के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या शिमाल की तरफ फ्रंट करना ठीक रहेगा, या कोई ऐसे शरई तौर पर कुछ हैं कुछ इस सिलसिले में? सिर्फ ये होना चाहिए कि मकान को साफ सुथरी हवा अंदर किस तरीके कहाँ से हमको मिल सकती है, उसके अलावा जो है कम से कम मेरे इल्म में अभी तक नहीं कि हाँ उसमें कोई और शर्त रखी गई हो कि उसको मशरिक की तरफ करो मगरिब की तरफ करो। जी जी, जी। शायद हमारे भाइयों को ये शुबा हो रहा हो कि कुरान मजीद में बनु इसराइल में वजह क्या है, वजालू बुयूतकुम क़िबला, तो उसका यह माना नहीं कि अपने घरों को क़िबला उनका रहे। उस वक्त मकसद ये था कि तुम्हारे एक तुम्हारी पहचान हो जाए, एक यह है कि अपने घरों को क़िबला यानी नमाज की जगह बनाओ, या अपने घरों को इस तरीके से बनाओ कि तुम नमाज पढ़ो किसी जगह तो लोगों को शुबा ना हो कि हाँ भाई ये इबादत कोई इबादतगाह है, ना ये कि उसमें यह है कि हाँ घर को क़िबला रुख बनाना चाहिए। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज़ 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।